मेरा नाम है विजय कुमार, आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में तिलस्मी देव सीरीज की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है परछाइयों का चोर। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। देवालय के नाम से प्रसिद्ध उस मनोरम घाटी में बसा था राजा विष्णुवर्त का नगर। प्रसिद्ध था कि देवालय के नागरिक आपस में बड़े प्रेम भाव से मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन उन शैतानों की भी कमी नहीं जो चले आते हैं लोगों की शांति में विघ्न डालने। परछाइयों के देश का राजा हूं मैं, मुझसे कोई ना बच पाएगा। परछाइयों के देश के इस राजा का नाम है कालभूत। देवालय का प्रमुख विक्रम बाजार, कद्दू ले लो टका शेर, कद्दू ले लो टका शेर। तभी मैं तो मुफ्त लूंगा रे कद्दू, कौन है भाई? अगले ही पल कद्दू के मालिक का चेहरा फक पड़ गया। कौन हो तुम? परछाइयों के देश का राजा कालभूत। कालभूत ने ना जाने कैसा जादू किया, तेरे सारे कद्दू ले जाऊंगा और ले जाऊंगा तेरी परछाई भी। मेरी परछाई? हैरत से चीख पड़ा वो। मेरी परछाई तो सचमुच गायब हो गई। चौंक कर सिर उठाया तो उसने तो कालभूत को भी गायब पाया। कहाँ गया वो कालभूत? चोर कहीं का, पकड़ो पकड़ो। वो चोर कालभूत मेरे सारे कद्दू ले गया और मेरी परछाई भी ले गया। कद्दू की चोरी तो समझ में आती है, किंतु परछाई की चोरी? ये पागल हो गया है क्या? नहीं रे, इसकी परछाई तो सचमुच गायब है। अरे हाँ, राज्य का अश्व बाजार। आइए आइए साहेबान, घोड़े हैं सिर्फ मेरे, बाकी सब गधे हैं। क्यों रे, बाकी सब गधे? तुम कौन हो भाई? कालभूत, तेरे घोड़े ले जाने आया हूँ। हिन, अरे मेरे घोड़े? और ले जाऊंगा तेरी परछाई भी। आ गई पकड़ में। इसी के साथ कालभूत वहां से गायब हो गया और घोड़े वाला गला फाड़कर रो पड़ा। हाय मेरे घोड़े, हाय मेरी परछाई, अरे कोई पकड़ो उस कालभूत को। हाथी बाजार। ये है गजराज, राजा चिड़कपुइया का हाथी। आइए आइए, नीलामी शुरू होने जा रही है। नीलामी? मगर हाथी कहाँ है? चौंक पड़े सब। मेरा हाथी? अरे पूरा हाथी गायब, मगर ये कौन है? मैं हूँ कालभूत। मूर्खों, हाथी तो गया, अब तुम सबकी परछाइयाँ ले जाऊं तो कैसा रहे? इन सब घटनाओं के बाद राज्य में कालभूत का आतंक फैल गया। कालभूत जिस किसी का भी माल और परछाई लेकर गायब हो जाता है, मुझे तो वो कोई शैतान लगता है। समझ में नहीं आता कि वो हमारी परछाइयाँ चुरा कर अपना कौन सा मकसद पूरा करना चाहता है। फरियाद राजा विष्णुवर्त तक पहुँची, महाराज हमें बचाइए उस शैतान कालभूत से। तब महामंत्री, बड़ा अजीबोगरीब चोर है ये तो। उसका नाम कालभूत है महाराज, कहीं वो सचमुच कोई भूत तो नहीं? हमारा नाम विष्णुवर्त है, तो क्या हम भगवान विष्णु हो गए? गुस्ताखी क्षमा हो महाराज, अगर वो भूत होता तो कोष मंत्री तो लोगों के कीमती सामानों में उससे क्या रुचि हो सकती थी? तब राजा ने आदेश दिया, सेनापति संकट सिंह, इस मामले की जांच का कार्य हम आपको सौंपते हैं। जो आज्ञा महाराज, मैं शीघ्र ही कालभूत के रहस्य का पता लगा लूंगा। और सभा समाप्त कर दी गई। राज्य के विभिन्न नगरों से वसूल किए गए लगान के रूप में एकत्रित वो विशाल कोष, कहीं कालभूत ना आ जाए। तभी शीघ्र ही, उफ ये क्या परछाइयाँ! इस राजकोष पर हमारा अधिकार है। खतरा भांपते ही एक सैनिक चीख पड़ा, आक्रमण! ये बचने ना पाए। एक सैनिक की तलवार चली साए। उस परछाई का तो कुछ ना बिगड़ा, किंतु इधर नगर में कद्दू बेचते उस व्यापारी के हो गए दो टुकड़े। पलक झपकते ही वहां भीड़ लग गई। सबके दिलो दिमाग में केवल था एक प्रश्न, ये गया
ये तो मर गया। ये क्या, ये तो मर गया। कल इसकी परछाई चोरी हो गई थी। उधर दूसरे सैनिक का वार भी तो घातक था। खच, मूर्ख, कभी परछाई के भी टुकड़े हुए हैं। लेकिन इधर अश्व व्यापारी तड़प उठा। उधर एक सैनिक ने दिखाया दुस्साहस। तुझे पकड़ दूंगा दुष्ट परछाई, छूकर तो देख मुझे। सैनिक गिरा धड़ से जमीन पर। दूसरे सैनिक ने तो कमाल करने की कोशिश की, लेकिन बेचारा क्या जानता था कि वास्तव परछाइयों से पड़ा है। अरे, मेरा घोसा तो इसके आर पार हो गया। क्या बला है ये परछाइयाँ। हसरत पूरी हो गई तेरी भी। और इधर हाथियों का व्यापारी चीख पड़ा। हाय, मार डाला। अरे, किसने मारा मुझे। उधर परछाइयों का हमला हुआ। ये देखो बेटा सैनिक कि घूसा कैसे मारा जाता है। थर्ड सैनिकों में भगदड़ मच गई। भागो, वरना ये परछाइयाँ हमें मार डालेंगी। उनके व्यवस्था पर शैतान परछाइयाँ ठहाका लगाकर हंस पड़ी। भागो, भाग जाओ, हमें तुमसे क्या लेना देना, हम तो तुम्हारी परछाइयाँ ले जाएंगे। उसके बाद चारों बैलगाड़ियों सहित वे परछाइयाँ वहां से गायब हो गईं। ये सूचना सेनापति शंकर सिंह के मस्तिष्क में हलचल मचा देने के लिए काफी थी। क्या परछाइयों ने राजकोष लूट लिया? किंतु मैंने सुना था कि कालभूत अकेला ही है, फिर इतनी सब परछाइयाँ कहाँ से आ गई? सेनापति जी, इस बार कालभूत स्वयं तो आया ही नहीं। ओह, ये कालभूत तो रहस्य बनता जा रहा है। उस घटना के पश्चात सेनापति शंकर सिंह ने युद्ध स्तर पर कालभूत की खोज आरंभ कर दी, लेकिन परिणाम कुछ भी ना निकला। इधर नगर में कद्दू व्यापारी और अश्व व्यापारी के रहस्यमय हत्याओं के कारण लोगों में भय फैल गया। कल कालभूत दोनों की परछाइयां चुरा ले गया था, और आज ये दोनों मारे गए। अभी ना जाने कितने ही और लोग मरेंगे। ना जाने किस शैतान की नज़र लग गई है देवालय घाटी की। मैं तो आज ही ये नगर छोड़कर कहीं अन्यत्र चला जाऊंगा। अगले दिन पूरे महल में हंगामा मच गया। मेरी परछाई चोरी हो गई। और मेरी परछाई कब हुई चोरी? हम सबकी परछाइयाँ चोरी हो चुकी है। राजकुमारी पूनम, राजकुमारी जी, आपकी परछाई कहाँ गई? राजकुमारी जी की परछाई गायब है। परछाइयाँ तो हम में से किसी की भी नहीं बन रही है। इसका मतलब हम सबकी परछाइयाँ चोरी हो चुकी है। महल में चारों तरफ अफरा तफरी सी मची थी। कालभूत सबकी परछाइयाँ चुरा ले गया लगता है। खुद महाराज की समझ में कुछ ना आया। खुद हमारी परछाई भी कल रात चोरी हो चुकी है। आखिर कालभूत परछाइयों को चुरा कर क्या करना चाहता है? सेनापति शंकर सिंह, महामंत्री, कोष मंत्री, यहाँ तक कि महल के रसोइयों और एक एक दरबारी की परछाई उसके शरीर से अलग होकर गायब हो चुकी थी। कोई भयानक संकट आने वाला है देवालय पर। सचमुच संकट ही मंडरा रहा था देवालय पर। देवालय का बच्चा बच्चा कालभूत का रहस्य जान लेने को आतुर है, लेकिन कालभूत का रहस्य कोई नहीं जान पाएगा। और ये हैं वे परछाइयाँ जिन्हें मैं कल चुरा लाया हूँ। ये सब मेरे गुलाम है। कालभूत जिंदाबाद। ये है देवालय की राजकुमारी की परछाई। कालभूत को मेरा प्रणाम। और ये है देवालय सम्राट महाराज विष्णुवर्त, महामंत्री और अन्य मंत्रियों की परछाइयाँ। कालभूत की जय हो। भयानक अट्ठास कर उठा कालभूत। ये सब लोग मेरे गुलाम बन चुके हैं, जिनकी परछाइयों पर मेरा अधिकार हो चुका है। मैं चाहूं तो यहीं बैठे बैठे पलक झपकते जिनको चाहूं खत्म कर सकता हूं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। परछाइयों का देश बनाऊंगा मैं, जहां होंगे सब मेरे गुलाम। उधर राज दरबार में चारों ओर फैली थी चिंता ही चिंता। पूरे नगर में कालभूत के नाम का आतंक फैला हुआ है। सेनापति संकट सिंह, क्या हम इतना विवश हो चुके हैं कि कालभूत के आगे बेबस से होकर रह गए हैं? क्षमा करें महाराज, किंतु ये सच है कि चार दिशाओं में खोज करने के बाद भी मैं कालभूत का कोई पता ना लगा सका। और कल रात्रि किसी समय कालभूत महल के एक एक व्यक्ति की परछाई चुरा कर ले गया है। खुद तुम्हारी परछाई भी ले गया है वो सेनापति संकट सिंह, और कुछ भी ना कर सका। और कोई भी कुछ ना कर सका।
सेनापति को जवाब ना सूझा और उस क्षण देवालय के राज दरबार में उपस्थित एक एक व्यक्ति चौंक पड़ा। महाराज को हमारा प्रणाम स्वीकार हो। तुम वही परछाइयाँ जिन्होंने नगर में आतंक मचा रखा है, सबको जैसे सांप सूंघ गया। सेनापति तलवार देकर आगे बढ़ा। दुष्ट शैतानों, कई और सैनिक भी परछाइयों को घेरने के लिए आगे बढ़े। इसी पल चीख पड़े राजा विष्णुवर्त, ठहरो ठहरो सेनापति, रुक जाओ। विष्णुदत्त ने दोनों परछाइयों की ओर देखा। कौन हो तुम दोनों शैतानों? हम दोनों कालभूत के दूत हैं महाराज। कालभूत का नाम सुनकर ही कई चेहरों पर सफेदी छा गई। हमें कालभूत ने आपके पास भेजा है, हम उसका एक संदेश आपको देना चाहते हैं महाराज। क्या कहा? कालभूत का संदेश? कालभूत का कहना है महाराज कि कल सूर्योदय से पूर्व आप राजगद्दी छोड़ दें और महल के गुंबद पर एक श्वेत ध्वज टांग दें। कल सूर्योदय के पश्चात कालभूत स्वयं इस राज सिंहासन पर बैठेंगे। ये सुनते ही सेनापति क्रोध से बिफरा परछाइयों की ओर बढ़ा। गुस्ताख, तुम्हारी ये मजाल! वहीं रुक जाओ सेनापति, हमारे निकट आकर हम पर वार करने का प्रयास मत करता। अगर तुमने हम पर वार किया तो तुम्हारे वे दोनों सैनिक मारे जाएंगे जिनकी हम परछाइयाँ हैं, और हमारा कुछ न बिगड़ेगा। क्या बकते हो? अगर तुम्हें हमारी बात का विश्वास ना हो तो हम पर वार करके देख सकते हो। आओ आगे बढ़ो सेनापति। और सेनापति ने आखिर वार करने का साहस कर ही लिया। अपनी बातों से तुम सेनापति संकट सिंह को नहीं बहला पाओगे दोस्तों। सेनापति संकट सिंह का तलवार वाला हाथ घूम गया। साएं तलवार दोनों परछाइयों को चीरती हुई निकल गई और गूंज उठी दो चीखें। उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति की आंखों में तैर उठी भय की परछाइयाँ। ये दोनों सैनिक तो सचमुच कट मरे। उफ, दोनों निर्दोष सैनिक मारे गए। इधर वे दोनों शैतान परछाइयाँ ठहाका लगा उठी। अपनी नादानी का परिणाम देखा तुमने सेनापति? उफ, कहिए महाराज, हम कालभूत को क्या जवाब दें? जवाब देने से पूर्व महाराज ये जान लें कि कालभूत के पास आपकी प्रजा के अलावा स्वयं महाराज एवं राजकुमारी पूनम की परछाइयाँ भी कैद है। अगर वे चाहें तो पलक झपकते ही आपके दोनों सैनिकों की तरह आप सबका भी कत्ल कर सकते हैं। नहीं, दोनों परछाइयाँ जैसे आई थीं वैसे ही चुपचाप लौट गईं और दरबार में खींच गया एक भयानक सन्नाटा। राजा विष्णुवर्त के नेत्र सजल हो उठे, व्यवस्था के कारण तड़प उठे वे। उफ, हमें अपनी परवाह नहीं है, किंतु हमारी बेटी के अलावा हमें हमारी प्रजा भी उतने ही प्रिय है। हम क्या करें प्रभु, हमें राह दिखा। फिर एक अन्य कक्ष में, महाराज अभी अभी मुझे एक बात सूझी है, शीघ्र कह डाले महामंत्री, क्या पता कल क्या हो और फिर आप हमसे कुछ कह सकें या नहीं। कुछ पल रुकने के बाद महामंत्री ने कहा, महाराज कालभूत खुद भी किसी की परछाई है। अगर ये पता चल जाए कि वो किसकी परछाई है तो उस शैतान तक पहुंचकर हम इस समस्या को हल कर सकते हैं। ओह, किंतु महामंत्री जी, ये पता चले तो कैसे चले? और फिर इस बात का भी क्या भरोसा कि पहचानने के बाद हम उस शैतान तक पहुंच ही पाएँ? ये भी तो हो सकता है कि हम उसे पहचान ही ना पाएँ। उस स्थिति में क्या होगा महामंत्री? तब फिर क्या किया जाए महाराज? क्या कालभूत को देवालय का राज सिंहासन सौंप दिया जाए? नहीं, हरगिज नहीं। तभी गूंज उठा एक और स्वर, राजकुमारी पूनम, पूनम बेटी तुम यहाँ? राज्य पर इतना बड़ा संकट आ पड़ा है पिताजी, और जिसका हल इतना निकट होते हुए भी आप उसे देख नहीं पा रहे हैं। हम कुछ समझी नहीं बेटी, तुम्हारा संकेत किस ओर है? तिलिस्मदेव। तिलिस्मदेव? हमें इस संकट से केवल तिलिस्मदेव ही बचा सकते हैं पिताजी। किंतु बेटी, कौन है ये तिलिस्मदेव? ये मुझसे बेहतर वे लोग बता सकते हैं जिन्होंने तिलिस्मदेव को देखा है। मुझे तो मकर ध्वज राज्य भ्रमण के दौरान तिलिस्मदेव के विषय में पता चला। तिलिस्मदेव के विषय में केवल इतना जानती हूँ कि वे महाशक्तिशाली हैं। मकर ध्वज राज्य में मचाया था आतंक एक जल्लाद राजकुमार ने। तिलिस्मदेव की शक्तियों की एक रोमांचक कॉमिक पढ़े जल्लाद राजकुमार।
मानवता की भलाई के लिए पृथ्वी पर उनका आगमन हुआ है। अगर कोई संकटग्रस्त व्यक्ति सच्चे दिल से उन्हें पुकारे तो वे अवश्य ही उनके मदद के लिए पहुंचते हैं, और जैसा संकट इस समय देवालय घाटी पर छाया हुआ है उससे केवल तिलस्म देव ही बचा सकते हैं हमें। अगर ऐसी बात है तो तिलस्म देव तक हमारी पुकार भी अवश्य पहुंचेगी। फिर हे तिलस्म देव, दुष्ट काल भूत से रक्षा करो हमारी। ओम विष्णु, देवालय घाटी के अस्तित्व की रक्षा करो तिलस्म देव। हम आ गए हैं राजा विष्णुवर्त तिलस्म देव, किंतु तिलस्म देव आप हमें दिखाई क्यों नहीं पड़ रहे हैं? मुझे केवल राजा विष्णुवर्त देख सकेंगे पुत्री। राजन, कालभूत नाम के उस परछाई के अंत के लिए हम तुम्हें अदृश्य पकड़ शक्ति देते हैं, किंतु ध्यान रहे राजन, कालभूत के अलावा शेष परछाइयाँ किसी न किसी निर्दोष इंसानों की ही होगी। अतः कालभूत के सैनिकों से निपटने के लिए तुम किसी घातक शक्ति या वार का इस्तेमाल नहीं करोगे। मैं इस बात का विशेष ध्यान रखूंगा तिलस्म देव। तब महामंत्री जी महल के गुंबद पर श्वेत ध्वज लहरा दीजिए। किंतु महाराज, समझने की चेष्टा करें महामंत्री जी, अगर कालभूत को श्वेत ध्वज लहराता हुआ नहीं मिला तो वो ना जाने क्या कर बैठेगा, और मुझे पूरा यकीन है कि उस समय उस परछाई का मालिक भी अपनी परछाई को राज सिंहासन पर बैठता देखने के लिए वहाँ अवश्य उपस्थित होगा, और तब हम उसे घेर लेंगे। महल पर श्वेत ध्वज फहरा दिया गया। कालभूत, तेरा और तेरी गुलाम परछाइयों का अंत अब निकट है। कालभूत आ पहुंचा अपने विशाल परछाइयों के साथ। आगे बढ़ो मेरे बहादुर सैनिकों, अब मंजिल दूर नहीं है। कालभूत जिंदाबाद। कालभूत महल से कुछ दूर रुका। ओह, महल के गुंबद पर फहरा रहा है श्वेत ध्वज। कालभूत भयानक अट्ठास कर उठा। आखिर विजय हुई मेरी ही। आगे बढ़ो सैनिकों, अब महल पर हमारा कब्जा है। इधर महल की छत पर खड़े राजा विष्णुवर्त और महामंत्री चौंक पड़े। आ गया कालभूत महाराज, अब आ तो गया है, अब वापस नहीं जा पाएगा। राजा विष्णुवर्त ने आदेश दिया, सैनिकों, सेनापति जी से कहो कि कालभूत का पूरे सम्मान के साथ राज सिंहासन तक लाया जाए। कालभूत ने महल में प्रवेश किया और सैनिकों ने किया उसका स्वागत। पधारिए पधारिए कालभूत जी, आपका महल में स्वागत है। ओह, स्वागत की भी व्यवस्था है। सेनापति संकट सिंह के साथ राज सिंहासन की ओर बढ़ता कालभूत, तुम्हारे महाराज वाकई समझदार हैं सेनापति संकट सिंह, लेकिन इससे पूर्व कि कालभूत सिंहासन ग्रहण कर पाता, ठहरो ठहरो कालभूत, इतनी क्या जल्दी है, ये कौन आया अब, हमें नहीं पहचाना कालभूत। ओह महाराज, लगता है मेरा राज तिलक आप स्वयं करना चाहते हैं महाराज विष्णुवर्त। राज तिलक नहीं दोस्त, तेरा अंत हम स्वयं करना चाहते हैं। अब चौंकने की बारी थी कालभूत की। क्या मतलब, तेरा अंत समय आ गया है दुष्ट कालभूत, अब तू यहाँ से जीवित बचकर नहीं जाएगा। ये सुनते ही कालभूत भयानक अट्ठास लगाकर बोला, मुझे मारने के बाद बाद में सोचना राजा, पहले मुझे पकड़कर तो दिखा, इस कोड़े से हम तेरी खाल खींच लेंगे दुष्ट। राजा विष्णुवर्त कोड़ा लिए आगे बढ़े, तभी चीख पड़ा कालभूत, मूर्ख राजा, तो भूल गया कि मैं चाहूँ तो पलक झपकते ही तेरी निर्दोष प्रजा को मौत के घाट उतार सकता हूँ, ये देख। इसी के साथ ही चीख पड़े दो सैनिक, आह महाराज हमें बचाइए, शायद ये हमारी परछाइयाँ है। आह ओह महाराज, अगर कालभूत पर प्रहार किया गया तो ये कुछ भी कर सकता है। क्यों, कैसा लगा मेरा खेल राजा? कितना विचित्र होगा ना वो युद्ध, तुम्हारे सैनिक अपनी परछाइयों से लड़ेंगे और स्वयं अपने ही हाथों खुद को कत्ल करेंगे। अब मैं बैठता हूँ राज सिंहासन पर। लेकिन ये क्या, राज सिंहासन पर बैठते ही वो राज सिंहासन सहित पीछे को उलट गया। उफ, ये क्या धोखा, कालभूत आकर गिरा एक तहखाने में। धम, तभी अब बोल कालभूत,
उसी समय ऊपर कक्ष में। अब कालभूत नहीं बचेगा सेनापति, और कालभूत के आदेश के बिना ये परछाइयाँ किसी पर आक्रमण नहीं करेंगी। नीचे तहखाना में राजा का कोड़ा कालभूत पर बरसा। सड़क, आह ये क्या हुआ, ये कोड़ा पड़ने से मुझे दर्द कैसे हो रहा है, आह। इसी के साथ ऊपर कक्ष में खड़ा सेनापति संकट सिंह दर्द से तड़प उठा। आह अरे सेनापति को क्या हुआ। नीचे तहखाने में राजा विष्णुवर्त के हाथ में थमा कोड़ा चला साएं साएं। सड़क सड़क, उफ मुझ पर कोड़े का असर क्यों हो रहा है, उफ। शैतान कालभूत, ये तिलिस्म देव की अदृश्य पकड़ शक्ति का कमाल है, ले और ले। सड़क सड़क सड़क, आह। ऊपर कक्ष में खड़े सभी लोग चमत्कृत से वो दृश्य देख रहे थे। आ, आ, ये कैसा चमत्कार है, सेनापति तो ऐसे तड़प रहा है जैसे इसे कोड़े से पीटा जा रहा है, ओह कोड़ा। कुछ सोचते सोचते उछल पड़ा महामंत्री, महाराज भी कोड़ा लिए हैं, कालदूत के पीछे गए हैं, इसका मतलब उफ। नीचे तहखाने में राजा विष्णुवर्त और कालभूत में छिड़ा था भयानक द्वंद। बस राजा अब तो मरेगा कालभूत के हाथों, कालभूत ने राजा विष्णुवर्त को उछाल फेंका। धड़ाक, आह। कालभूत ने किया एक शक्तिशाली प्रहार। कड़ाक, उफ। कालभूत ने भाला उछाल फेंका। खच सर, कालभूत ने गद्दा खींच मारी, इसे और प्रहार करने से रोकना होगा। साएं, राजा विष्णुवर्त ने भी उठा ली तलवार। अब शीघ्र ही तेरा अंत कर दूंगा दुष्ट, कालभूत ने उठाया गणासा। अब तू नहीं बचेगा राजा। दोनों के शस्त्र आपस में भीष्म ध्वनि करते हुए टकरा गए। टनाक, राजा विष्णुवर्त ने तीव्र हुंकार भरी, जय तिलिस्म देव। कालदूत ने भी फिर हुंकार भरी, जय शैतान देव। एक बार फिर विद्युत से कौंधी और कड़ाक, अगले ही पर गूंज उठी कालभूत की चीख। खचाक, ले मर शैतान, आह। उसी समय ऊपर कक्ष में निकली सेनापति की चीख, आह। और दुष्ट कालभूत का अंत हो चुका है महामंत्री, आह। सेनापति को देखते चौंक पड़ा राजा विष्णुवर्त, सेनापति की ओर देखकर चौंक पड़े राजा विष्णुवर्त। सेनापति जी की ये हालत कैसे हो गई महामंत्री जी, आह। दरअसल महाराज कालभूत मेरी ही परछाई थी, ये। सेनापति ने अपने वस्त्रों में छिपी एक मणि निकाली, फिर बोला, ये मणि मैंने एक साधु को मारकर प्राप्त की थी, इसी के चमत्कार से मैं परछाइयों का राजा बन बैठा, और फिर देवालय पर भी अपना अधिकार करने की चेष्टा की। आह, मुझे क्षमा करना महाराज। इसी के साथ सेनापति के प्राण पखेड़ू उड़ गए और परछाइयों का अंत हो गया महाराज। इस दुष्ट के मरते ही कालभूत की सारी सेना भी गायब हो गई है, किंतु सेनापति को इस रूप में देखना पड़ेगा, ये तो हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। तभी गुंजा एक स्वर, वत्स विष्णुवर्त, कालभूत की मृत्यु के साथ ही हमारी दी हुई शक्ति हमें वापस मिल गई है, सुखी रहो। इसी प्रकार अंत हुआ परछाइयों का और राज्य में छा गई पूर्व की तरह ही सुख शांति और संपन्नता। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।